हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल। और आज मॉर्निंग में हमने अभी जून 2012 का थर्ड पेपर देखा था, और ये जो पेपर हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वो है जून 2012 का सेकंड पेपर, जिसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपको पीछे के सारे पेपर्स देखने हैं तो वो आपको चैनल पे ही मिल जाएगा। सो हमने 2004 से जून 2012 सेकंड पेपर तक अभी तक हमने देख लिया है, थर्ड पेपर तक देख लिया है। ये जो है जून 2012 का सेकंड पेपर है। तो चलिए इसका क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, टू रिफर टू द अनरिजॉल्वेबल डिफ़िकल्टीज अ टेक्स्ट में ओपन अप, डेरिडा मेक्स यूज ऑफ अ टर्म एपोरिया। डेरिडा यूज द टर्म एपोरिया टू रिफर द अनरिजॉल्वेबल डिफ़िकल्टीज इन अ टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर टू, हु अमंग द फॉलोइंग इंग्लिश प्ले राइट स्क्रिप्टेड द फिल्म शेक्सपियर इन लव। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज टॉम स्टॉपर्ड। द फिल्म शेक्सपियर इन लव वॉज directed by John Madden and scripted by Mark Norman and playwright by Tom Stoppard. Then question number 3, इसको chronological arrange करना है, तो चलिए देख लेते हैं। Percy's Relics of Ancient English Poetry 1765, French Revolution 1789, Mary Wollstonecraft's Vindication of Right of the Right of Women 1792 and Lyrical Ballad 1798. Question number 4, which of the following employs a narrative structure in which the main action is relayed at second hand through the enclosing frame story? So iska correct option hai option D, that is Joseph Conrad Heart of Darkness 1902 mein ye aaya. The main action is relayed through the enclosing frame of story. Question number 5, Irish dramatic movement was heralded by such figure as. So Irish movement se related isme figure pooch raha hai kaun kaun usse related tha. To Irish dramatic मूवमेंट में W.B. Yeats, लेडी ग्रेगरी एंड एडवर्ड मार्टिन का नाम आता है। देन क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द चौसर विच पोएम बाई चौसर वॉज रिटन ऑन द डेथ ऑफ ब्लेंच वाइफ ऑफ मिसेस वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, द बुक ऑफ डचेस। क्वेश्चन नंबर 7, द ट्रेजेडी ऑफ फेरिक्स एंड पोरिक्स इज द अदर टाइटल ऑफ। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज ग्रोबोडक। द ट्रेजेडी ऑफ फेरिक्स एंड पोरिक्स इज द सब टाइटल ऑफ सकविल एंड नॉर्टन्स ग्रोबोडक 1561। क्वेश्चन नंबर 28, हु ऑफ द फॉलोइंग पोइट इज ऑस्ट्रेलियन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है जूडिथ राइट, ये ऑस्ट्रेलियन है। ऑस्टिन क्लर्क ये आयरिश हैं। एडविन मुरे स्कॉटिश हैं। ड्रैक वेलकॉट करेबियन हैं। देन क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, यस क्वेश्चन नंबर 9, ही फाउंड इट ब्रिक एंड लेफ्ट इट मार्बल रिमार्क्ड वन ग्रेट राइटर ऑन अनदर। सो ये किस राइटर ने किसके बारे में बोला है कि ही फाउंड इट, मतलब इंग्लिश को ब्रिक जैसा उनको मिला था और उन्होंने उसको मार्बल बना दिया। तो ये स्टेटमेंट किसने किसके लिए बोला है ये पूछ रहे हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ये स्टेटमेंट जॉनसन, सैमुअल जॉनसन्स रिमार्क ऑन ड्राइडन, सैमुअल जॉनसन ने ड्राइडन को दिया है कि ही फाउंड इट मतलब इंग्लिश ब्रिक एंड लेफ्ट इट मार्वल। देन क्वेश्चन नंबर 10, हु एमंग द फॉलोइंग इज द पोएट लॉरिएट। इसमें करेक्ट आंसर है टेड ह्यूज, ये पोएट लॉरिएट थे 1984 में। देन क्वेश्चन नंबर 11 का मैच द कॉलम है, चलिए देख लेते हैं इसमें करेक्ट मैच क्या है। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, एमली डिकिंसन, ओ कैप्टन माई कैप्टन विलियम वॉल्ट विटमिन, टू रोड डाइवर्ज्ड इन अ वुड रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सो मच डिपेंड्स अपॉन विलियम कैरोल्स विलियम। ये एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है, ज़रा सा भी अंतर नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 12, द प्रीडोमिनेंट टोन ऑफ थ्रस्ट द प्रीडोमिनेंट टोन एंड थ्रस्ट ऑफ जोनाथन स्विफ्ट अ मॉडस्ट प्रपोजल आर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आयरनी, ये एक आयरनी है, आयरोनिकल टोन में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, आई सिट इन वन ऑफ द डाइव्स 152nd स्ट्रीट अनसर्टेन एंड अफ्रेड एज द क्लेवर होप्स एक्सपायर ऑफ लो डिसऑनेस्ट डिकेड सो बिगिन ऑर्डेंस सेप्टेम्बर 1st 1939। सो वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन इटैलिक। सो इसमें जो इटैलिक वर्ड है दैट इज़ डाइव्स, उसका क्या मीनिंग है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है नाइट क्लब।
Question number 14, C.K. Ogden and I.A. Richard were reputed in the 1930s for introduction. So C.K. Ogden and I.A. Richard kisse related hain aur unhone kya propagate kiya hai? So iska correct option hai option D, the basic English project. So C.K. Ogden and I.A. Richard were reputed in 1930 for introducing the English project, basic English project. Yes, then question number 15. In which of the following work does Mrs. Malaprop appear? So iska correct option hai the revels R.B. Schridens ka revel hai. Then question number 16, which of the following statement about Christopher Marlowe are true? So iska correct option hai A, that is Edward II was written in the last year of Marlowe's life, and second was many critics considered Dr. Faustus to be the best play of Marlowe. So question number 17, art for art's sake become a rallying cry for? So iska correct option hai the atheists, jo atheists the unka aisa manna tha ki art for art sake hai. Question number 18, confessions of English opium eater is literary work of? So iska correct answer hai C, the Thomas D. Quincy. Then question number 19, which of the following statement about Canterbury Tale is true? So iska correct option hai C, the Canterbury Tale remained unfinished at the time of its author death. Then question number 20, who among the following was a Catholic novelist and intelligence officer, a film critique, and set his function in far away places racked by the political conflict? So iska correct option hai D, that is Graham Greene. Then 21, question number 21 hai match the column, to isko dekh lete hain. Good sense in the body of poetic genius, Coleridge, Biographia Literaria. Poetry is the breath and finer spirit of all. Wordsworth preface. Literary criticism is the description and evaluation of its object. Brooks, the formalist critique. Then nature never set forth the earth in as rich a tapestry as diverse poets have done. Sydney defense and apology. तो ये सारे statement हैं और ये सारे work हैं और author हैं जिन्होंने ये statement made किया है या जिससे related ये statement है. Question number 22. In which of the following travel books does Mark Twain give an account of his visit to India? इसका correct option है D, that is Following of Equator. Then question number 23. William Blake's famous poems such as London, The Sick Rose and The Tiger appears in? तो इसका correct option है B, that is Songs of Experience. Then Songs of Experience William Blake का work है. Question number 24. Who among the following English artists illustrated a novel of Dickens and Scott? तो इसका correct option is C, the novel of Dickens and Scott's were illustrated by George Cruikshank. Then question number 25, the last Gulliver travel is to? So iska correct option hai A, the land of Houyhnhnms. Then question number 26, Madame Marle is a character in? तो इसका correct option है Henry James का The Portrait of a Lady, उसमें ये character है. Question number 27, in which of the following scene, The Wasteland, do we have departure from standard English? So इसका correct answer है B, that is the pub scene. Then question number 28, the word if it were done, when it's done, then it were well, it were done quickly, are uttered by? So iska correct option hai D, that is Macbeth. Ye Macbeth mein line aayi hai. Question number 29, John Donne, Absalom and Ahithophel is a? So iska correct option hai political allegory hai ye. Then question number 30, the term Comedy of Minans is associated with an early play of? So iska correct option hai C, that is Harold Pinter, aur early play tha inka Birthday Party. Question number 31, examine the following statement and identify one of them which is not true. So iska correct option hai C, kiske bare mein hai? Rudyard Kipling ke bare mein sare statement hai aur ye inke bare mein sahi nahi hai. He returned to India as a police constable in Burma. So ye sahi nahi hai. He worked as a journalist in India and not as a constable. Then question number 32 is match the column. So dekh lete hain, Balchandra Rajan, Dark, the Dark Dancer, R.K. Narayan, the Dark Room,
कमला मार्कंडे द कॉफर डैम एंड रोमन बासु द टैमरिंड ट्री. क्वेश्चन नंबर 33 दैट इज़ द नेम द पोएट हु चूज हिज सक्सेसर एंड सक्सेसर पोएट हुम ड्राइडन सेटराइज इन हिज पोएम. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी. इन हिज एब्सुलम एंड एचिटोफिल ड्राइडन सेटराइज रिचर्ड फ्लेक्नो एंड थॉमस शेडवेल. देन क्वेश्चन नंबर 35 सो ये भी मैच दी कॉलम है तो लेट्स सी क्या है करेक्ट मैच. लेट अस गो देन यू एंड आई इसका जो करेक्ट मैच है वो है टी एस एलियट द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉक. देन कॉन कॉल मी इशमेल सो इसका ये जो है ये एच मेलविले का मॉबी डिक से लाइन ली गई है. देन व्हेन शैल वी थ्री मीट अगैन ये जो है शेक्सपियर की लाइन शेक्सपियर के मैकबेथ की लाइन है और ये विचेस जो है ये बोल रही हैं. ही डिसअपियर्ड इन द डेड ऑफ विंटर डब्ल्यू एच ऑर्डन की इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी येट्स की ये लाइन है. आई विश ईदर बी गॉट मी सो ये एल स्टोन की ट्रिस्टम शैंडी ये इसकी लाइन है. सो येस आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 36 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रिवेंज ट्रेजडी. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है वी वॉलपोन. बाकी ग्रोबर डक हैमलेट एंड द डचेस ऑफ माल्फी ये सब जो है ये रिवेंज ट्रेजडी है. क्वेश्चन नंबर 37 व्हाट इज नियोलॉगिज्म. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है नियोलॉगिज्म इज अ वर्ड न्यूली क्वाइंड और यूज्ड इन अ न्यू सेंस. देन क्वेश्चन नंबर 38 व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ एडवर्ड सईद ओरिएंटलिज्म. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी. ओरिएंटलिज्म से रिलेटेड जितने स्टेटमेंट हैं वो देख लेते हैं. मेक यूज ऑफ फुकॉल्ट्स कंसेप्ट ऑफ डिस्क्रूसिव फॉर्मुलेशन एंड इट इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग टेक्स्ट ऑफ पोस्ट कॉलोनियल थियरी. एंड थर्ड जो करेक्ट ऑप्शन है इसका यूटिलाइज द ग्रामसियन नोशन ऑफ हेजीमनी. और इसके बारे में जो करेक्ट नहीं है वो ये है कि इट इज़ वन ऑफ द फाउंड नहीं मेक यूज ऑफ बार्थस कंसेप्ट ऑफ राइटली टेक्स्ट. सो सईद डज नॉट यूज बार्थस कंसेप्ट ऑफ राइटली टेक्स्ट इन इन ओरिएंटलिज्म. वेस्टर्न कंसेप्शन ऑफ द ओरिएंट इज यूज्ड. Then question number 40 that is which among the following novel has more than one ending. So iska correct option hai C that is The French Lieutenant's Women. John Fowles The French Lieutenant Women has several endings. Then question number 41 that is which have you have seen how a man was made a slave you shall see how a slave was made a man is an example of iska correct option hai C Sishams. Then question number 42 which of the following statement is not correct. So iska correct option hai D that is Chaucer wrote the book of the book named the governor. सो ये नहीं सही है. बाकी जो स्टेटमेंट है दैट चौसर यूज द राइम रॉयल एंड स्टैंजाइक फॉर्म इन द पोएम ऑफ हिज मेजर इन सम ऑफ हिज मेजर पोएम. देन चौसर वाज द ऑथर ऑफ लेजेंड ऑफ गुड वुमेन. देन चौसर रोट इन इंग्लिश व्हेन कोर्ट पोएट्री ऑफ हिज डे वाज रिटन इन एंग्लो नॉर्मन एंड लैटिन. तो ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट है बट द बुक नेम्ड द गवर्नर ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है. Then question number 43, material feminism studied inequality in terms of, so iska correct option hai C, both class and gender. Material feminism study inequality in the term of both class and gender. Then question number 44, who among the following is not an Irish writer, so iska correct option hai Thomas Gray. Then entries in क्वेश्चन नंबर 45 एंट्रीज इन द डायरी ऑफ शैमुअल पेपी बिगिंस आफ्टर. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए दैट इज रेस्टोरेशन. द डायरी ऑफ शैमुअल पेपीज बिगिंस इन द रेस्टोरेशन ईयर 1660 एंड टिल कंटिन्यू टिल 1669. इन अ पोएम अ लाइन में ईदर बी एंड स्टॉप्ड और सो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी दैट इज रन ऑन. इन पोएम इन अ पोएम अ लाइन कैन बी ended and stopped or run on. So question number 47 which of the following poet wrote the essay Naipaul's India and Mine.
सो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, दैट इज़ निज़ाम एज़िकल. निज़ाम एज़िकल रोट नाइपॉल्स इंडिया एंड माइन इन 1965. सो एन एसे टू क्रिटिसाइज नाइपॉल्स व्यू ऑफ इंडिया इन एन एरिया ऑफ डार्कनेस, तो उसी का ये क्रिटिसाइज किया था उन्होंने. देन क्वेश्चन नंबर 48 में मैच दी कॉलम है, देखते हैं जेम्स जॉयस का रिचर्ड एलमिन, देन टी एस एलियट का पीटर एक्रोएड, देन लाइफ ऑफ जॉनसन जेम्स बॉसवेल, लाइव्स ऑफ पोएट सैमुअल जॉनसन. सो ये सारे जो हैं वर्क हैं और ये राइटर हैं. सो क्वेश्चन नंबर 49, द पेन इज़ माइटियर देन द स्वॉर्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, इसका करेक्ट ऑप्शन है मेटोनमी. देन क्वेश्चन नंबर 50, फाइनल क्वेश्चन, एन एपिलॉग इज, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, सफिक्स्ड टू अ टेक्स्ट विच इट सम अप और एक्सटेंड्स. सो ये जो है टोटल 50 क्वेश्चन हो गए जून 2012 सेकेंड पेपर, और अब जो है हम दिसंबर 2012 का दोनों पेपर देखेंगे, पेपर 3 एंड पेपर 2. उसके बाद फिर 2013 पे बढ़ेंगे. सो इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है, और आई होप कि आपको ये हेल्पफुल है, आपको हेल्प कर रहा है. अगर है तो फिर आप मैसेज करके बताइएगा ज़रूर. बाकी आप अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो. स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.